दोस्तों रतन टाटा आज दुनिया के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन में से एक माने जाते हैं। काफी लोग बिजनेस में रतन टाटा को अपना आइडियल भी मानते हैं। इन्होंने अपनी नॉलेज और बिजनेस करने के अंदाज से पूरी दुनिया में कई लोगों को इम्प्रेस किया है। आज की इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम बात करेंगे रतन टाटा की। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको रतन टाटा पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। शायद आपको रतन टाटा के बारे में ऐसी बातें पता चले जो शायद आप ना जानते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों रतन टाटा का फुल नेम है रतन नवल टाटा, और इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत इंडिया में हुआ, और 2020 के हिसाब से इनकी उम्र हो चुकी है 80 साल। रतन टाटा ने अपने 8वीं क्लास तक की पढ़ाई कैंपियन स्कूल से की। इसके बाद वे US चले गए, जहां इन्होंने अपनी बाकी की पढ़ाई हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पूरी की, और इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन आर्किटेक्चर फील्ड में की है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी US से। रिपोर्ट्स के मुताबिक रतन टाटा अपने स्कूल और यूनिवर्सिटी में एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, और ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने अपना कैरियर आर्किटेक्चर फील्ड में ही बनाना चाहा, लेकिन वे एक बिजनेस बैकग्राउंड फैमिली से बिलोंग करते थे। इसी कारण एक दिन इन्हें अचानक ये ख्याल आया कि आर्किटेक्चर फील्ड में कैरियर बनाने से बेहतर है कि वे अपने बिजनेस को आगे लेकर जाएं। और अपने पैशन को देखते हुए रतन टाटा ने 1975 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बिजनेस मैनेजमेंट की भी डिग्री ली। रतन टाटा पेशे से एक इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, फिलैंथ्रोपिस्ट, एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं रतन टाटा के कैरियर के बारे में। रतन टाटा पढ़ाई में इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्हें IBM जैसी कंपनी से जॉब की ऑफर आई थी। दोस्तों आपको बता दें कि IBM एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, और वो लोग बहुत लकी होते हैं जिन्हें इस कंपनी में जॉब करने का मौका मिलता है। लेकिन रतन टाटा ने उस जॉब की ऑफर को ठुकरा दिया, क्योंकि उस वक्त वे मन बना चुके थे कि इन्हें एक बिजनेसमैन ही बनना है। और 1961 में रतन टाटा ने अपनी पहली जॉब की शुरुआत की टाटा स्टील से, और यहाँ पर वे प्लास्टर ऑफ पेरिस और पत्थरों की सप्लाईज को मैनेज किया करते थे। टाटा स्टील में काम करने के बाद रतन ने टाटा की हर कंपनी में कोई ना कोई डिफरेंट जॉब की, और इसकी वजह ये थी कि वे अपने बिजनेस को पूरे तरीके से समझना चाहते थे। बिजनेस की अच्छी नॉलेज पाने के बाद रतन को टाटा कंपनी के मैनेजमेंट टीम के साथ काम करने का मौका मिला। 1971 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप की टीवी और रेडियो बनाने वाली कंपनी नेल्को की जिम्मेदारी सौंपी गई, और ये कंपनी उस वक्त घाटे में जा रही थी। और 1971 से लेकर 1974 तक रतन टाटा ने इस पर दिलो जान से मेहनत की, और इस कंपनी को सिर्फ 4 सालों में मार्केट में एक अलग ही पहचान दिलाई। लेकिन बाद में कुछ इश्यूज की वजह से इस कंपनी को बंद करने की नौबत आ गई, और इसे बंद कर दिया गया, और ये रतन टाटा की जिंदगी का पहला फेल्यूर था। लेकिन इन्होंने हार ना मानकर आगे बढ़ने का फैसला किया। इसके बाद रतन टाटा ने अपनी एक और डूबी हुई कंपनी टाटा एक्सप्रेस मिल को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें यहाँ भी सफलता ना मिल सकी, और ये कंपनी भी बंद हो गई। 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया, और अब तक इन्होंने बिजनेस की इतनी नॉलेज हासिल कर ली थी कि अगले 21 सालों में लगातार मेहनत करके वे टाटा कंपनी को इंटरनेशनल लेवल तक ले गए, और अपनी कंपनी को एक्सपेंड करते गए भारत और फॉरेन कंट्रीज में। और रतन टाटा के आने के बाद टाटा ग्रुप को 50% तक का मुनाफा होने लगा हर साल, और बस यहाँ से फिर इन्होंने बिजनेस की दुनिया में अपनी सक्सेस का सफर शुरू किया। और काफी साल टाटा ग्रुप में काम करने के बाद रतन टाटा ने काफी सारी कंपनीज को भी खरीद लिया, जिसमें टाटा मोटर्स के साथ लैंड रोवर और जैगुआर थी, और साथ ही साथ टाटा टी के साथ टेटली टी कंपनी, और टाटा स्टील के साथ कोरस जैसी और भी कई कंपनीज को इन्होंने खरीद लिया। लेकिन दोस्तों रतन टाटा की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जब टाटा मोटर्स से इन्हें बेहद घाटा हो रहा था, और इन्होंने टाटा मोटर्स को सेल करने का फैसला किया, और इसी कारण इन्होंने फोर्ड कंपनी के साथ टाटा मोटर्स को सेल करने के लिए मीटिंग रखी। और इस मीटिंग में फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड ने रतन टाटा को बहुत क्रिटिसाइज किया, और इन्हें कहा कि अगर आपको कार बनाने आती ही नहीं तो आपने इस कंपनी पर इतना इन्वेस्ट क्यों किया, और साथ ही साथ ये भी कहा कि वे ये कंपनी खरीद कर रतन टाटा पर एक एहसान कर रहे हैं। और इतनी सारी बातें सुनने के बाद रतन टाटा वहां से उठकर चले गए और डील कैंसिल करने का फैसला किया।
इतनी बातें सुनने के बाद रतन टाटा ने फैसला किया कि वे टाटा मोटर्स को मार्केट में सक्सेसफुल बनाकर दिखाएंगे और काफी साल स्ट्रगल करने के बाद इन्होंने टाटा मोटर्स को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाकर दिखाया जहां कोई सोच भी नहीं सकता था। और टाटा कंपनी की कार्स आज भारत में सबसे ज्यादा खरीदी जाने वाली कार्स हैं। रतन टाटा ने काफी सारी जानी मानी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप भी की हुई है। 2015 में इन्होंने जानी मानी चाइनीज कंपनी शाओमी और अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ पार्टनरशिप की थी और इसके अलावा भी इन्होंने काफी सारी इंटरनेशनल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप की हुई है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं रतन टाटा के अवार्ड्स के बारे में। रतन टाटा को पद्म भूषण, पद्म विभूषण और CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर इन बिजनेस के अवार्ड्स मिल चुके हैं। अब चलिए दोस्तों आपको मिलवाते हैं रतन टाटा की फैमिली से। रतन टाटा के पिता का नाम है नवल टाटा, रतन टाटा की मां का नाम है सोनी टाटा, इनका एक भाई भी है जिसका नाम है नोएल टाटा और इन फोटोज में आप इनकी फैमिली देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं रतन टाटा की इनकम की। इनकी ज्यादातर इनकम इनकी कंपनीज से होती है। रतन टाटा ने अभी तक 30 कंपनीज को खरीद रखा है और इनकी सारी कमाई इनकी कंपनीज में से ही आती है। इनमें से सबसे ज्यादा कमाई जिस कंपनी से होती है वो ये है टाटा स्टील लिमिटेड। इस कंपनी से रतन टाटा की हर महीने 1,60,000 करोड़ रुपए की कमाई होती है और इस कंपनी में टोटल 32,000 एम्प्लॉयज हैं। टाटा मोटर्स लिमिटेड रतन टाटा का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था टाटा मोटर्स। इस कंपनी से वे दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक बन गए थे। टाटा मोटर्स वर्ल्ड वाइड 175 कंट्रीज में कार सप्लाई करता है और इस कंपनी से रतन टाटा की हर महीने 2,90,000 करोड़ रुपए की कमाई होती है और इस कंपनी में टोटल 80,000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे ही रतन टाटा की और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनसे इनकी अच्छी खासी इनकम होती है, लेकिन अगर हम सबको वीडियो में मेंशन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं रतन टाटा की नेटवर्थ की। इनकी नेटवर्थ है 17,910 करोड़ रुपए। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं रतन टाटा के घर की। रतन टाटा अपनी फैमिली के साथ मुंबई कोलाबा में रहते हैं और दोस्तों ये साउथ मुंबई का सबसे महंगा तरीन एरिया है और इनके घर की प्राइस लगभग 150 करोड़ रुपए है। इनके घर में टोटल 7 फ्लोर हैं, जिनमें जिम, मीडिया रूम, प्ले रूम और स्विमिंग पूल जैसी सुख सुविधाएं हैं और इन फोटोज और वीडियोस में आप इनके घर की कुछ झलक देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं रतन टाटा की कार्स और प्राइवेट जेट कलेक्शन के बारे में। इनके पास एक रेड फरारी कैलिफोर्निया टी कार है जिसकी प्राइस है 4 करोड़ रुपए। इनके पास एक मर्सिडीज SL 500 कार है जिसकी प्राइस है 3 करोड़ रुपए। रतन टाटा की सबसे महंगी कार्स में से एक गोल्ड नैनो कार है। इस कार की बॉडी स्पेशली गोल्ड से बनाई गई है और इस पर डायमंड्स भी लगाए गए हैं और दोस्तों इस कार की प्राइस है 22 करोड़ रुपए। इसके अलावा रतन टाटा के पास एक मर्सिडीज W124 कार भी है जिसकी प्राइस है 10 लाख रुपए। इसके अलावा इनके पास एक जेगुआर XJL सुपर चार्जर कार भी है जिसकी प्राइस है 2 करोड़ रुपए। रतन टाटा के पास एक कैडिलैक XLR कार भी है जिसकी प्राइस 80 लाख रुपए। इसके अलावा इनके पास एक लैंड रोवर फ्रीलैंडर कार भी है जिसकी प्राइस 60 लाख रुपए। इनके पास एक 2007 होंडा सिविक कार भी है जिसकी प्राइस 13 लाख रुपए। इनके पास अपनी कंपनी की टाटा नेक्सन कार भी है जिसकी प्राइस 10 लाख रुपए। इसके अलावा इनके पास मर्सिडीज S क्लास कार है जिसकी प्राइस 2 करोड़ रुपए।
रतन टाटा के पास अपना फैल्कन 2000 भी है जिसकी प्राइस है 215 करोड़ रुपए। और इस प्राइवेट जेट में एक बेडरूम, एक किचन और एक वॉशरूम है। और रतन टाटा ज्यादातर बिजनेस मीटिंग्स के लिए इस प्राइवेट जेट को यूज करते हैं। तो ये थी रतन टाटा की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप रतन टाटा के फैन है तो इस वीडियो को कर दो लाइक और साथ ही साथ शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और हमें कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो किस बिजनेसमैन पर देखना चाहते हैं आप। Do subscribe our channel and we hope that you like our videos and also don't forget to visit our website celebritynews.blogspot.com which is shown in the video and don't forget to follow us on Facebook and Twitter.